नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। सीधी विधायक केदार शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला का मामला इन दिनों प्रदेश के गलियारों में सुर्खियों से छाया हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने अपने गांव में अपने ही गांव के व्यक्ति के साथ हरकत की, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जहां एक तरफ सरकार इस मामले में काफी सख्त नजर आ रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही इस बात की जानकारी उनको मिली थी, उन्होंने उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी। पुलिस तत्काल सक्रिय हुई थी। पुलिस ने धारा 294, 506, भारतीय दंड विधान 71, SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, उसकी तलाश प्रारंभ की थी। बीती रात लगभग 2 से 2:30 बजे प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके पहले प्रवेश के घर पर जब दबिश डाली गई तो प्रवेश की अनुपस्थित में उसकी पत्नी और उसकी मां को पुलिस ने उठा लिया था। उसके बाद देर रात प्रवेश की गिरफ्तारी हो गई। आज पुलिस ने उसके घर का दौरा किया, ये जानने समझने की कोशिश की यहाँ पर अवैध निर्माण क्या है। जितना भी अवैध निर्माण था, आज उसके मकान में पुलिस ने बुलडोजर भी चला दिया। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। आज रीवा में भी पूर्व मंत्री सिहावल के विधायक कमलेश्वर पटेल ने भी सरकार को इस मामले में लेकर कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। क्या कि श्री रमाकांत शुक्ला जी के लड़के प्रवेश शुक्ला द्वारा ST कैंडिडेट से अमानवीकृत किया गया है और जिसकी FIR बहरी थाने में दर्ज हुई है। इस कृत्य के बाद जब इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा गया तो पूर्व में भी इनके विरुद्ध थाने में FIR है। साथ ही इनके भूमि संबंधी दस्तावेजों की जब जांच की गई तो पाया गया कि इनके पिता का मकान 1/3 भाग में विधि के विपरीत बना हुआ है और उसी के संबंध में मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार मकान गिराने की कार्रवाई, तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो रासुका के तहत की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा NSA के तहत कार्रवाई हुई है प्रवेश शुक्ला के खिलाफ। नहीं, ये तो मकान जो है अवैध रूप से बना है, इसलिए अवैध निर्माण। अवैध तो पूरा हिस्सा गिराया जाएगा? नहीं, 1/3 जितना उनका है। अच्छा, जितना मध्य प्रदेश शासन के हिस्से में? नहीं, मध्य प्रदेश शासन नहीं, जितना अवैध है। अवैध, अवैध। सीधी जिले में एक आदिवासी के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है और हम समझते हैं कि ये घटना सामान्य घटना नहीं है। इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति गुंडा एलिमेंट्स हैं, जिसके खिलाफ कई अपराध पहले से पंजीबद्ध है, यहाँ तक कि जिला बदर की भी कार्रवाई प्रस्तावित थी, आए दिन कोई न कोई घटना उस व्यक्ति के द्वारा की जाती थी। ऐसे व्यक्ति को विधायक प्रतिनिधि बनाना, ऐसे व्यक्ति को मंडल में उपाध्यक्ष बनाना क्या उचित था? इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादातर लोग इसी प्रवृत्ति के हैं और आज जो वर्तमान में सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, लगातार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ घटनाएं घट रही हैं, उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उसके बाद भी सरकार सो रही है। अभी तक जिस तरह की कार्रवाई NSA की कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक पीड़ित जो व्यक्ति है, जो फरियादी है, उसको थाने में बिठा के रखा है, क्या ज़रूरत है? आप बयान लीजिए, कल से उसको रखा हुआ है, घर के लोग परेशान है।
ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।